फिर मैंने देखना शुरू किया कि हिंदुस्तान में ये रिफाइंड तेल कब से आए। आज से 50 साल पहले तो कोई जानता नहीं था कि रिफाइंड तेल क्या होता है। ये पिछले 20-25 वर्षों में आए हैं रिफाइंड तेल। कुछ कंपनियां निकली इस देश में, कुछ विदेशों से आई, कुछ हिंदुस्तानी कंपनियां, दोनों ने मिलकर रिफाइंड तेल का चक्कर चलाया। रिफाइंड तेल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब ये बहुत अच्छा उन्होंने कहा, किसी ने माना नहीं, तो डॉक्टरों से कहलवाया, बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से कहलवाया। जो डॉक्टर अपने मरीजों को कहते हैं कि भैया तेल हमेशा रिफाइंड ही खाना, ये वाला तेल लाना, वो वाला तेल लाना, अलग अलग ब्रांड के है ना, सफोला ले आना, सनफ्लावर ले आना, ये ले आना, वो ले आना, इन डॉक्टरों के साथ मैंने जब वार्ताएं करना शुरू किया, खासकर बंबई के कुछ डॉक्टरों को, जो हर समय ये प्रेस्क्रिप्शन के साथ कहना नहीं भूलते कि तेल सफोला का ही खाना या तेल ये ही खाना, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब सफोला से आपका क्या रिश्ता है, जो आप हर मरीज को कहते हैं तेल सफोला का ही खाना, ये क्यों नहीं कहते तेल तिल का ही खाना, ये क्यों नहीं कहते तेल नारियल का ही खाना, ये क्यों नहीं कहते तेल मूंगफली का ही खाना, ये सफोला कहां से आ गया। हमारे यहां तो नारियल का तेल होता है, मूंगफली का तेल होता है, तिल का तेल होता है, सफोला का तेल ये हिंदुस्तान का। तो वो डॉक्टर तो नहीं बताते, लेकिन उनकी पत्नियां बताती हैं कि वो सफोला वाला आता है ना, तो डॉक्टर साहब को कभी रेफ्रिजरेटर दे जाता है, कभी टेलीविजन दे जाता है, कभी डॉक्टर साहब और मुझे मिला के नेपाल की यात्रा करा देता है, कभी हमारे बच्चों के साथ हमको अफ्रीका की सफारी दिखा देता है। तो ये है चक्कर सारा कि एक तरह से किक बैक डॉक्टर साहब को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मिल रही है, इसलिए डॉक्टर साहब बार बार कह रहे हैं कि सफोला का तेल खाना। अब ये सफोला का तेल हमने लेकर टेस्ट किया लेबोरेटरी में, सूरजमुखी का तेल जो अलग अलग ब्रांड का है वो टेस्ट किया लेबोरेटरी में, दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कई डॉक्टरों को इसमें इंटरेस्ट हुआ कि बात तो ये गहरी है, इस पे काम करके देखना चाहिए। तो वो डॉक्टरों ने जो कुछ भी निकाल के दिया है रिसर्च के रूप में, है तो बहुत मोटा हिस्सा, अगर बात करूं तो बहुत दिन बीत जाएंगे, उसका निष्कर्ष एक वाक्य में बता देता हूं कि तेल में जैसे ही आप बांस को निकालेंगे और उसका चिपचिपापन हटाएंगे, वो तेल ही नहीं रहता, तेल के सारे महत्वपूर्ण घटक निकल जाते हैं। और डबल रिफाइंड में तो कुछ भी नहीं बचता, डबल रिफाइंड तो बिल्कुल छूछ है, कुछ है ही नहीं उसमें, और आप उसको खा रहे हैं। तो तेल के माध्यम से शरीर को जो कुछ चाहिए वो मिलता नहीं। आप बोलेंगे जी तेल के माध्यम से हमारे शरीर को क्या मिलता है, मैं बार बार एक शब्द पे आपको ध्यान लाया, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये तेलों में से ही आता है आपके शरीर में। वैसे तो ये लीवर में बनता है, लेकिन तेल खाएं तब, खाएंगे नहीं तो बनेगा नहीं है। तो शुद्ध तेल आप खाएं तो आपके लीवर की मदद से HDL आपके शरीर में बेहतरीन स्थिति में रहे, और ये HDL ही है जो आज की रिसर्च बताती है जो वात को कंट्रोल कर सकता है, HDL ही है। तो आधुनिक विज्ञान का ये HDL और 3500 साल पहले के विज्ञान बागवत चिकित्सा का तेल, ये दोनों एक ही चीजें हैं। तो आप शुद्ध तेल खाएं तो HDL अच्छा रहे, HDL अच्छा रहे जिंदगी में हार्ट अटैक आने की कोई संभावना नहीं, आप निसंकोच अपना जीवन बिताइए।